Hello guys, welcome to Techky, Yasser YouTube channel. And guys, finally Flipkart पे 2021 का आखिरी सेल आप बोल सकते हो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. इसका नाम है यहाँ पर Flipkart स्मार्टफोन ईयर एंड सेल. एंड ये कब से कब तक के चलेगा वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ. साथ में आज की स्टूडियो में 70 प्लस स्मार्टफोन डील्स यहाँ पर सेल में से आपको बताऊंगा. उसमें से आज की डेट में कौन सी अच्छी डील्स है, कौन सी बेकार डील्स है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में. तो कर देना वीडियो को लाइक. वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक का. आई होप कि आप कर दोगे. सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर ये सेल का नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन ईयर एंड सेल, जो कि 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में चलेगा. साल का आखिरी सेल है, 5 दिन का यहाँ पर ये सेल रहने वाला है. बैंक ऑफर की बात करें तो भाई कोई भी बैंक ऑफर वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है. सीधा सीधा प्रीपेड डिस्काउंट है, एक्सचेंज डिस्काउंट है, एंड सीधा जो आपको ऑफर में डिस्काउंट मिल रहा है वही मिलेगा. सैडली बैंक ऑफर आपको देखने को नहीं मिल रहा है. अब मैं लाइन से 70 प्लस स्मार्टफोन डील बताऊंगा, सीधा बोलूंगा लेना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए. सबसे पहली डील है आईफोन 12 मिनी, 41,000 रुपीज में आपको देखने को मिल रहा है. देख सकते हो अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए, जबरदस्त डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा अपडेट्स, आईओएस वगैरह काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, 41,000 रुपीज में आप डेफिनेटली देख सकते हो. नेक्स्ट है मोटो H20 फ्यूजन, 21,000 रुपए में बोलूंगा मत लेना. इससे बेटर आपको GT मास्टर वगैरह स्मार्टफोन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है वीवो X70 प्रो, आपको 47,000 का मिल रहा है लेकिन 4,000 रुपए का प्रीपेड का ऑफर है, तो काफी चीप में आपको देखने को मिलेगा. तो अगर आपको एक ओवरऑल तगड़ा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन चाहिए विद गुड कैमरास अमेजिंग है, चाहे वीडियो की बात करो या इमेजेस की बात करो, तो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, 40,000 रुपए के आसपास का बजट है, देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो रेनो 6 5G 30,000 रुपए में स्किप कर दो. इससे बेटर है कि आप ऑफलाइन में जाओगे, भाई काफी सस्ते 25-26 में आपको मिल जाएगा, वहां पर से देख लेना. रियलमी C11 2021 यहाँ पर यह एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 7,500 रुपए, लेकिन 1,000 रुपए का प्रीपेड डिस्काउंट है, 6,500 रुपए मिलेगा. बहुत ज्यादा टाइट बजट है, देखना चाहते हो देख सकते हो बेसिक यूजर हो तो. नेक्स्ट यहाँ पर रेडमी 9i 8,500 रुपए में स्किप. रियलमी C25Y आपको ऐसे तो ये 11,000 रुपए के आसपास मिलता है, 2,000 रुपए का प्रीपेड का डिस्काउंट है, ठीक ठाक सा स्मार्टफोन है, 9,000 रुपए में देखना चाहते हो देख सकते हो. नेक्स्ट है यहाँ पर आईफोन SE 28,500 रुपए में स्किप कर दो. रियलमी नार्जो 50A 10,500 रुपए का ठीक ठाक, इतना हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ. नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी 8S 5G 18,000 रुपए में स्किप कर दो. नेक्स्ट है रियलमी GT मास्टर एडिशन, फिर से डिस्काउंट आ चुका है, 26,000 रुपए एक्चुअल प्राइस पॉइंट है, लेकिन ये बार आपको 4,000 रुपए का प्रीपेड ऑफ है, तो आपको ये सेल में मिलेगा 22,000 रुपए में. एंड स्टिल मैं बोलूंगा हाँ 20-21 में मिलता तो और बढ़िया रहता, बट 22,000 रुपए में भी बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है. 778G 128 का AMOLED डिस्प्ले एंड 65 वॉट चार्जिंग वगैरह अमेजिंग डील है, 22,000 रुपए में देख सकते हो. नेक्स्ट है रियलमी 8, आपको जो 698 वाला वेरिएंट है 17,000 रुपए का मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1,500 रुपए का प्रीपेड का ऑफ है, तो मिलेगा 15,500 रुपए का. एंड स्टिल 15,500 रुपए में आज की डेट में भी रियलमी 8 4G आप देख सकते हो, AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, G95 की तगड़ी परफॉर्मेंस, डीसेंट इनफ कैमरास देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी है, फास्टली चार्जिंग का सपोर्ट है, देख सकते हो 15,500 रुपए में 698 अच्छी डील है. नेक्स्ट डील है यहाँ पर रियलमी 8 5G 16,500 रुपए में स्किप. पोको C31 8,500 रुपए में स्किप. मोटो G60 17,000 रुपए में, इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा. अभी मोटो का एक नया G71 करके एक स्मार्टफोन आने वाला है, मैं बोलूंगा उसका वेट कर लो. इसके आसपास की प्राइस पॉइंट पे 5G AMOLED वगैरह सारी चीजें मिलेगी, मैं बोलूंगा उसका वेट कर लो. आईफोन 12 54,000 रुपीज का मिल रहा है, भाई अगर आपको आईफोन ही लेना है 53-54,000 रुपीज के आसपास का बजट है, देख सकते हो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. ओप्पो A12 8,750 रुपए में स्किप. रियलमी 8i अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन 14,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है, ऑफर का वेट करो, 11-12,000 रुपए में आसानी से मिल जाता है. साथ ही में इन्फिनिक्स हॉट 11s 10,500 रुपए में मिल रहा है, ये भी सस्ते में मिलता है लेकिन इस पे 10,500 में मिल रहा है, देखना चाहते हो देख सकते हो. आपको 90Hz का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, G88 का चिपसेट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10,000 रुपए के आसपास बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है. रियलमी नार्जो 50i 7,500 रुपए में ठीक ठाक है, आपकी मर्जी, देखना चाहते हो देख सकते हो, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है. ओप्पो A53S 5G 16,000 रुपए में स्किप. ओप्पो F17 प्रो 17,000 रुपए में स्किप. रियलमी C21Y 9,000 रुपए में स्किप. सैमसंग F22 13,000 रुपए में स्किप. नेक्स्ट है रियलमी GT Neo 2
32,000 रुपीज का मिलता है, 4,000 रुपए का प्रीपेड का ऑफर, 28,000 रुपए मिलेगा, 28,000 रुपीज में डेफिनेटली देख सकते हो। 870 का चिपसेट है, E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट है, 5,000 एमएच बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग, ठीक ठाक से कैमरा देखने को मिलता है 28,000 रुपए में देख सकते हो। नेक्स्ट है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A, 7,000 रुपए में ठीक ठाक है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले बड़ी बैटरी चाहिए देखना चाहते हो देख सकते हो। पोको M3 प्रो 5G 14,500 रुपए में स्किप। मोटो E40 आपको यहां पर ये मिल जाएगा 10,000 रुपए में, तो 10,000 रुपए में स्टॉक एंड्रॉइड बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर नाजो 30 13,500 रुपए में स्किप। वीवो V21 5G 30,000 रुपए में स्किप। ऑफलाइन में जाना बहुत चीप में मिल जाएगा, पोको X3 प्रो 19,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सैमसंग F12 11,500 रुपए में स्किप। नेक्स्ट यहां पर इन्फिनिक्स का लेटेस्ट इन्फिनिक्स नोट 11 12,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, अच्छा स्मार्टफोन है, 12,000 रुपए में हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि चिपसेट अच्छा मिल जाता है, साथ ही में AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है एंड बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, बॉक्सी डिजाइन वगैरह, अच्छा स्मार्टफोन है 12,000 रुपए में। इन्फिनिक्स नोट 11S 14,000 रुपए में डिसेंट डील कहूंगा, देखना चाहते हो देख सकते हो अगर परफॉर्मेंस एंड हायर रिफ्रेश रेट चाहिए तो। नेक्स्ट यहां पर मोटो G51 भाई 15,000 रुपए में तगड़ा 5G स्मार्टफोन है देख सकते हो, ये वही स्मार्टफोन है, आपको अच्छे खासे 5G बैंड मिल जाते हैं, 480 प्लस बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा, यहां पर कैमरास डिसेंट मिल जाते हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है देख सकते हो। ओवरऑल 15,000 रुपए में अच्छा 5G स्मार्टफोन है। मोटो G31 13,000 रुपए में देख सकते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में AMOLED प्लस स्टॉक एंड्रॉइड का कॉम्बिनेशन चाहिए, अच्छी डील है देख सकते हो। इन्फिनिक्स हॉट 11 10,000 रुपए में स्किप कर दो, 500 रुपए बढ़ा के हॉट 11S ले लेना, साथ ही में मार्क्यू वगैरह 6,500 रुपए में स्किप कर दो। इन्फिनिक्स हॉट 10S आज की रेट में 10,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है। रेडमी 9i स्पोर्ट 8,500 रुपए में स्किप। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, रिसेंटली 11,500 रुपए मिल रहा था, अब ये सिर्फ आपको 9,500 रुपए का मिल रहा है, तगड़ा स्मार्टफोन है। G85 है, फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड है, नो एड्स नो ब्लोटवेयर, बड़ी स्क्रीन है, कैमरास वगैरह भी काफी बढ़िया काम करते हैं, तो 9,500 रुपए में डेफिनेटली इन नोट 1 आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले 8,300 में स्किप। ओप्पो A33 10,000 रुपए में स्किप। मोटो G40 फ्यूजन 14,500 रुपए में स्किप कर दो, ऑफर का वेट करना। रियलमी नार्जो 30 5G 15,000 रुपए में स्किप। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 17,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 7,500 रुपए में स्किप कर दो। नेक्स्ट है पोको F3 GT कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 29,000 रुपए में स्किप। नेक्स्ट यहां पर ओप्पो रेनो 5 प्रो भाई बहुत पुराना हो चुका है, 33,000 रुपीज इसमें आप क्यों डालोगे जबकि रेनो 7 सीरीज अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, इसको भी स्किप कर दो। पिक्सल 4a 29,000 रुपीज में स्किप। ROG फोन 5 50,000 रुपए में स्किप। रियलमी X1 मैक्स ओवरऑल फोन अच्छा है लेकिन 27,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, 21-22 में मिलता है तो आगे चल के वेट कर लेना। रियलमी GT 5G 38 में स्किप। ROG फोन 3 35,000 रुपए में स्किप। सैमसंग F42 5G 21,000 रुपए में स्किप। वीवो V21 E 25,000 रुपए में स्किप। मोटोला H20 5G 28,000 रुपए में स्किप। जियोनी मैक्स 6,000 रुपए में स्किप। मैक्स प्रो 7,000 रुपए में स्किप। ओप्पो A54 15,000 रुपए में देखना भी मत। रियलमी 8 प्रो 18,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है मोटो E7 पावर 7,000 रुपए में, बड़ा डिस्प्ले बड़ी बैटरी स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए देख सकते हो। वीवो Y72 5G 21,000 रुपए में स्किप। Y73 21,000 रुपए में स्किप। माइक्रोमैक्स इन 2B 8,500 रुपए में देखना चाहते हो देख सकते हो, बजट बहुत ज्यादा टाइट है। एड्स ब्लोटवेयर वगैरह नीचे, क्लीन इंटरफेस चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए देख सकते हो, 8,500 रुपए में अच्छा स्मार्टफोन है। ओप्पो A53 12,000 रुपए में स्किप। लावा Z3 7,300 में देखना भी मत। सैमसंग A03S भाई बेकार स्मार्टफोन है 11,500 में। सैमसंग A12 देखना भी मत, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है 14,000 रुपए में। सैमसंग A21S 13,000 रुपए में स्किप। सैमसंग A70S बहुत पुराना हो चुका है एंड 20,000 रुपए में पैसे बर्बाद मत करना। नेक्स्ट यहाँ पर आईटेल A26 स्किप। आईटेल विजन 2S स्किप। नोकिया C20 प्लस 8,500 रुपए में स्किप। नोकिया 5.4 जो है 13,000 रुपए में स्किप। लावा Z4 स्किप। लावा Z6 स्किप। तो गाइस ये यहाँ पर आपको 70 प्लस स्मार्टफोन डील देखने को मिल रही है यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ईयर एंड सेल में। मैंने मोस्टली यहाँ पर सारे स्मार्टफोन को स्किप करने को बोला हूँ, कुछ थोड़े बहुत जो रियलमी के स्मार्टफोन पर ऑफर चल रहे मैंने वही रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरी सजेशन अगर आप मानोगे मैं बोलूंगा भाई ये सेल में से परचेस करने की जरूरत नहीं है,
जनवरी में आपको बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे, नए लॉन्चेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो वेट कर लो। इसीलिए मैं सोचा वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जो डील मैंने आपको रिकमेंड करा उसमें से अगर आपको कोई फोन लेना है देख सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा नेक्स्ट सेल का वेट कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो ईयर एंड सेल के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये सेल कैसा लगा, क्या आप ये सेल में कोई डील को ग्रैब करने वाले हो या नेक्स्ट सेल का यहाँ पर वेट करने वाले हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी, एंड कैसा अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।